ये देखो सड़क के बीच में ट्रेन 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 ट्राम, ड्राइवर खुद उतर रहा है सुकुड़ी साइड रखने के लिए। गाइस कोलकाता का जो नाइट लाइफ है ना वो है यहाँ पे मस्त चीज है। देखो तार कैसे लटकी हुई है, इसी पे चल रही है। तो चलिए गाइस अब जाते हैं एसएस हॉग मार्केट। भूल बुलाया है, बस खो नहीं जाना, मेरे को नहीं खोना यहाँ पे। मेरे साथ ही चलो और फोन ऑन रखना। यहाँ से भी मार्केट है, यहाँ से भी मार्केट है, यहाँ से भी मार्केट है, भूल बुलाया मार्केट है हर तरफ से। ये देखो यहाँ पे मिल रहा है कश्मीर हट, कश्मीरी कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके कश्मीरी पश्मीना ये सब यहाँ पे। ममता कश्मीर एम्पोरियम, तो कश्मीरी आइटम्स भी यहाँ पे मिलेगी आपको। आरी वर्क हुआ, ये सब हुआ, पश्मीनी शॉल हुआ, कुछ भी हुआ तो यहाँ पे मिलेंगे। ये भी है कश्मीर कॉटेज, पता नहीं ये कश्मीरियों का है लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पे यही है। हाँ नहीं ये कश्मीर से नहीं है, मैं शक्ल से पहचानूंगा कश्मीरियों को। नहीं इसका ओनर हो सकता है कश्मीरी, वो जो हाँ वो लेकिन वहाँ पे नहीं था। ये देखो ये है भूल भुलैया, जैसे कि दिल्ली में पालिका बाजार हुआ ना भूल भुलैया, वैसे यहाँ पे भूल भुलैया, मतलब चारों पांचों तरफ से मार्केट ही मार्केट है हर तरफ से। यहाँ से भी मार्केट, यहाँ से भी मार्केट, भाई मैं तो खो गया। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे। तो ये ना सबसे पुरानी बेकरी है यहाँ पे, नहुम्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके बेकरी है यहाँ पे सबसे पुरानी, ये देखो कन्फेक्शनरीज नहुम एंड सन्स। हाँ बेकरी है यहाँ पे सबसे पुरानी। हाँ और बोलो और क्या पूछना है? और कुछ नहीं पूछना है। हाँ आप ये गूगल कर लेना कितने साल पुराना होगा ये। कोलकाता का सबसे पुराना शायद। ओके ये भी यही है ना हॉग्स मार्केट में मिल रहा है राजस्थानी सूट, राजस्थानी पर यहाँ पे सस्ता सस्ता ही मिलता है, 300, 400, 500 यही रेट है यहाँ पे। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है, जिसको आना होगा वो आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए शॉपिंग, लेकिन पैसे लेके, मेरी तरह पैसों के बगैर नहीं आना। तो ये रहा यहाँ पे कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। गाइस ये देखिए यहाँ पे रेस्टोरेंट कितना पुराना है, 1932 का यहाँ पे निज़ाम रेस्टोरेंट है। ओके ये देखो और वहाँ से होटल रौनक, बट बिल्डिंग देखो कितनी पुरानी है। कोलकाता का वन ऑफ द एक ब्रांड है तुम्हारा इसमें मुगलाई खाने का। अच्छा स्पेशली बिरयानी। अच्छा अभी कोलकाता में बहुत सारा ब्रांड है, लीजान इज वन ऑफ देम। अच्छा तो उसका जो यही है उसका हेडक्वार्टर बोल सकते हो 1930। यहाँ तो सब मिलता है, बीफ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, बीफ का बहुत सारा आइटम भी मिलता है। अच्छा तो ये ना यहाँ पे बहुत ही फेमस ब्रांड है अमीनिया, ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे अमीनिया, ये भी मुगलाई खाने के लिए बिरयानी स्पेशली। अच्छा निजाम देखा, अमीनिया निजामिया एंड अमीनिया ये बहुत फेमस है यहाँ पे, देखो अमीनिया भी बहुत पुराना ब्रांड है। जी जी तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, मार्केट भी है ये भी है, और यहाँ से ट्राम चलता है। वो रहा ट्राम इसमें चढ़ना था मुझे, है ना ट्रेन जैसी, एक को जैसा ही है चढ़े। ये देखो सड़क के बीच में ट्रेन 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 ट्राम, रो साइड। जाना है आइए। ट्राम बोलते इसको, ट्राम ठीक है, सीधे ना वो रेल ट्रेन की तरह ही है, पटरी पे चलती है, सुर भी सड़क के बीच में, भाई ये तो सही है, ऐसा लग रहा है भाई। तू दे पैसे दे दे इसको, कितना हुआ 8 रुपया। ये यहाँ पे बस की तरह चलती है ठीक है। अपना कोई टाइमिंग है कि कौन छाड़े भाई, मैं बोले आगे था कोई टाइमिंग छोड़ा। चलो उतरो
धागा देके आराम से नाम दे। कितना नजदीक चलता है भाई, ट्रेन है, ट्रेन 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 ट्रेन। उतरो 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 उतरो, नम 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 नम। ये देखो ट्रेन से उतर के, जो ट्रेन रुक गई सामने से वो है स्कूटी। अब ड्राइवर खुद उतर रहा है स्कूटी साइड रखने के लिए। ऊपर से देखो ये वायर से ना उसी से ही चलता है। ये देखो ड्राइवर खुद उतर रहा है साइड रखने के लिए। अरे भाई ये सड़क के बीच में रखेगा मेरे को लगता है। हाँ भाई स्कूटी रखी सड़क के बीच में। तो ये वाली ट्रेन ना थोड़ा सा वो है भाई। ऑसम ऑसम यामिन। ये देखो स्कूटी कहाँ पे रखी भाई। मतलब यहाँ से आप ट्रेन भी चला सकते हो, मतलब चला नहीं सकते, ट्रेन भी चलती है यहीं से ही, और यहीं से बाकी का ट्रांसपोर्ट भी। बाकी इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे यामिन, यहाँ का अलग से वीडियो बनाएंगे ट्राम का, है ना, अलग से वीडियो बनाएंगे। ये देखो स्कूटी कहाँ पे रखी उसने भाई। मेरे को ना वो टाइम से मैं बोल रहा था इसकी राइड करनी है, ट्राम की राइड करनी है, तो कर ली थोड़ी बहुत ही राइड कर ली तो कर ली। लेकिन हम जल्दी आएंगे, इसके अलग से एक वीडियो बनाएंगे ट्राम के ऊपर, ओके, प्राइसिंग ये सब का क्या है सेंट्रल कलकत्ता में। हाँ लेकिन इसके लिए स्पेशली अलग से अगर कभी आओगे जी, पता ही चल गया ना, जो ट्राम है वो हेरिटेज हेरिटेज ही बन गया जी। अभी उनका कोई शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल नहीं है। हाँ तो यहाँ पे देखो ये जिस टांगे में चढ़ा था ना, इसका ना अलग से वो स्टैंड होता है, जैसे रिक्शे का स्टैंड होता है, इनका भी स्टैंड होता है। ये सबसे इको फ्रेंडली सबसे अंदर था, लेकिन हाँ ये देखो इसका इसका कोई पोल्यूशन नहीं है जी, एकदम घटिया लेवल। अब ये बंद हो रहा है ना धीरे धीरे, वो तो गवर्नमेंट बता सकता है क्या कर रहा है, मतलब वो जगह पे बंद हुआ है। कोलकाता में था ये, ऐसा नहीं है सिर्फ एक दो लाइन था। हाँ पहले वो जगहों पे था, एंटायर कोलकाता मतलब जो नॉर्थ कोलकाता सेंट्रल कोलकाता साउथ में भी कुछ कुछ पार्ट जी बोल सकते हो, एक पार्ट छोड़ के साउथ का भी एक्सट्रीम साउथ तक ही था जी, मतलब बेहाला एरिया वो भी था। अभी कम हो रहा है, अभी कम मतलब कम ही हो गया। अभी किसी किसी जगह ये ट्राम ट्रेन चलती है, दो रूट में अभी चल रहा है, वो भी मतलब कब चलता है कब नहीं चलता शेड्यूल नहीं, नहीं है, कुछ शेड्यूल नहीं है। हाँ बस की तरह 27 रूट था वो सब बंद हो गया जी। पहले यहाँ पे 27 या कुछ भी रूट से ट्रेन चलती थी ट्राम बोलो, तो अभी ना खाली एक दो यही कुछ बचे जहाँ से ट्राम ट्रेन चलती है, वो भी कैसे ऐसे कोई शेड्यूल नहीं है, ऐसे बस की तरह वो चलती है। यहाँ पे शॉप है ना गज कुमार ब्रदर्स, ये ना 1938 का बहुत ही पुराना शॉप है यहाँ पे, ठीक है, पुराना पुराना आपको दिखाना है कोलकाता का, नया तो अब सेम ही हो चुका हर जगह से। वो देखो एस्टेब्लिश 1938 जी, 1938 हाँ। चलिए जी गज कुमार भाई ट्राम आ गई, ट्राम 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 आ गई, चलो ट्राम के पीछे दौड़ते हैं। ये देखो वायर कैसे लटकी हुई है इसकी। तो गाइस यहाँ पे ना एक केसी दास मिठाई की दुकान है जो कि बहुत ही पुरानी है, कितनी पुरानी है 1930 हाँ। उनका जो फाउंडर है वो तो बोल रहा है कृष्णचंद्र दास, वो बॉर्न हुआ था 1869। अच्छा तो उसी से हम सोचो 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, तो बहुत ही पुरानी वो मिठाई की दुकान है यहाँ पे। प्लैनेट चौरंगी केसी दास। तो आएंगे यहाँ पे भी आएंगे, क्यों यहाँ में आएंगे ना, वो नाखुदा मस्जिद है ना सामने, मस्जिद के सामने नाखुदा मस्जिद हाँ ओके, उसके सामने यहाँ पे केसी दास। चलो हम करते हैं फिलहाल रोड पास, तो जाते गाड़ी में। मित्रों हम आए अभी शेक पीने के लिए, ये सब लोग पी रहे हैं मैंगो शेक, मेरे लिए आ रहा है बनाना शेक। ना यहाँ पे बहुत ही फेमस है, कुछ यहाँ पे जूस है सब मिलता है। ये देखो यहाँ पे दूर दूर से बुलाते लोगों को, आ जाओ पीने के लिए पीने के लिए, देखो आ जाओ भैया जूस पी लो आ जाओ भैया। तो मैंने तो किसी जगह ऐसा नहीं देखा, हाँ हाँ गाड़ी लगा के जूस पी रहा है, तो दूर से बुलाते हैं आ जाओ भाई जूस पी लो आ जाओ जूस बनाना शेक वो है। तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है यहाँ पे। ट्राम निकल गई, ट्राम ट्राम ट्राम। भाई मस्त चीज़ है, देखो तार कैसे लटकी हुई है, इसी पे चल रही है। ओ भाई अनोखी अजूबा। तो चलिए गाइज अभी हम फाइनली पहुँचे गाड़ी के पास, अब जाते घर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके यार, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताऊँ आपको, चलिए जाते हैं फिर। तो गाइज फाइनली हम चढ़ चुके हैं गाड़ी में, अब जाते डायरेक्ट घर के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। देखो यहाँ पे इंडियन म्यूजियम नेशनल म्यूजियम है, यहाँ पे 1814 ब्रो 1814 बहुत ही पुराना है यहाँ पे।
तो गाइस कोलकाता का जो नाइट लाइफ है ना वो है यहाँ पे। यहाँ पे देखो पहले आई लव कोलकाता, तो पार्क स्ट्रीट इस जगह का नाम है। ओके मुझे लगता है शाम के टाइम ये लाइट से सब होती होगी। हाँ ये अभी मतलब दुर्गा पूजा से स्टार्ट हुआ था। अच्छा 1 जनवरी तक पूरा चला, अभी शायद बंद कर, अभी शायद बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जनवरी तक चलेगा ये। तो नाइट लाइफ के लिए ये यहाँ से एरिया अच्छा है। जितना भी बार पब ये सब आप देख सकते हो, जैसे कि दिल्ली में सीपी है ना, कनॉट प्लेस, वैसे ही है यहाँ पे, वैसा कुछ सीन है। वहाँ पे भी वो नाइट लाइफ ये सब होती रहती है ना, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सेम ही है उसी की तरह। जितना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट बैंड सब ही। हाँ ये देखो वहाँ पे भी वाइट बिल्डिंग है सी, मेरे को लग रहा है मैं वहीं पे आया हूँ। ठीक है यहाँ पे पार्क सर्कस 7 पॉइंट है। हाँ, जैसे नॉर्थ में शाम बाजार 5 पॉइंट है जी, वो सबसे एक बड़ा क्रॉसिंग है नॉर्थ में, और उसी तरह साउथ कोलकाता में एक क्रॉसिंग है, ये 7 पॉइंट यहाँ पे सात जगह से उठ जाता है थोड़ा। हाँ ये पार्क सर्कस में है। ओके पार्क सर्कस ये रहा यहाँ पे 7 पॉइंट। ठीक है उस साइड से यहाँ पे ना एक बहुत ही लग्जरी होटल है, ITC क्या ITC रॉयल बेंगलोर। हाँ ये देखो नीचे वाला जो है ना वो होटल नहीं है, फिर वो है तुम्हारा मेला प्रांगण, फेयर और ट्रेड फेयर। अच्छा ट्रेड फेयर लगता है यहाँ पे। ऊपर बॉल क्या घूम रही है ऊपर? अर्थ पूरा बंगला का बी घूम रहा है। अच्छा हाँ वो द रॉयल बेंगल है ना, वही है होटल। अच्छा देखो बहुत ही बड़ा होटल है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा ITC रॉयल बेंगल। और ये सामने JW मैरियट मैरियट। ओके ये देखो सही है ना भाई। चलिए जा रहे हो पापा, मिलेंगे आपसे, और थैंक यू सो मच इतनी चीजें यहाँ पे दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, शुरू हुआ है, और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोलकाता के बारे में। अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है, कोलकाता पिक्चर शुरू हुआ है। चलिए आपसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अभी तो कोलकाता में ही है। थैंक यू सो मच, याद रहेगा आपका। तो गाइज हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर तो निकल गए, अब हम चढ़ते हैं बस में। इनका अगर यहाँ से होगा हमारा पता नहीं कहाँ से, कहाँ यही आएगी बस। अच्छा क्रॉस करना पड़ेगा, अरे भाई ये तो बड़ा रोड है, कहाँ से क्रॉस करें कहीं गाड़ी। अच्छा जी गाइज मैं आया अभी हेयर कटिंग करवाने के लिए, ये ना अपने भाई है ठीक है, यहीं पे बांगुर में इनका वो है सलून, दिखाता हूँ मैं आपको ठीक है। बाकी इन्होंने देखो कैसी कटिंग की भाई, साइड से ना पूरे छोटे कर दिए इतना क्यों किया, अच्छा लगेगा? अरे बहुत मस्त है आपका जो फेट कटिंग हो रहा है ना, एक नंबर है हम लोग का इधर, बहुत चलता है। अच्छा चलो फिर देखते हैं, एक नंबर है आज कोलकाता की कटिंग करवाएंगे। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं घर, आज ना मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका क्योंकि आपको पता ही कितना ज्यादा घूमना पड़ा। आज की वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे ना तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहें। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आस के रहना, ओ तू मेरा।